नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर, वहां पे और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है, उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं। इमरान के इस ढोलक से मुंह वाले मंत्री ने अपने बड़बोलेपन से पूरे पाकिस्तान की जान आफत में डाल दी है। विज्ञान और तकनीक मंत्री फवाद चौधरी ने कल पाक की संसद में खड़े होकर जिस प्रकार पुलवामा घटना पर पाकिस्तान की संलिप्तता स्वीकार की, उससे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। फवाद चौधरी ने पुलवामा घटना को इमरान खान की कामयाबी बताकर इमरान के माथे पर भी पसीने ला दिए हैं। खुद पाकिस्तानी सरकार और पाक आर्मी को नहीं सूझ रहा है कि फवाद की बकलोली से कैसा पीछा छुड़ाएंगे, क्योंकि फवाद ने यह स्वीकारोक्ति पाकिस्तान की संसद में ऑन द रिकॉर्ड की है। संसद में जनता के प्रतिनिधियों द्वारा आंकड़े पेश किए जाते हैं, वे झूठे नहीं होते बल्कि उन्हें बाकायदा रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसे में पाक सरकार द्वारा फवाद चौधरी के बयान पर सफाई देना मुश्किल हो रहा है। खास बात यह है कि इमरान खान की विपक्षी दलों ने पहले ही सलवार फाड़ रखी है, फवाद चौधरी ने तो उनकी फटी सलवार ही उधेड़ डाली। अब पाकिस्तान में फिर से भारत के हमले का खौफ पैदा हो गया है। पाकिस्तान द्वारा पुलवामा अटैक का सच स्वीकारने से इमरान सरकार को डर सता रहा है कि भारत पुलवामा के किए की उसे कड़ी सजा दे सकता है। यानी 1 मार्च 2019 को अभिनंदन को याद करके जिस हमले की दहशत से पाक निकला था, वह फवाद की नादारी से फिर से उसके दिल में बैठ गई है। पाकिस्तान जानता है कि मोदी घर में घुसकर मारते हैं, उनकी मार जब पड़ जाती है उसके बारे में तभी पता चलता है। मोदी उसूलों के पक्के हैं और छेड़ने वालों को छोड़ना उनका स्वभाव नहीं है। फवाद ने पुलवामा अटैक में पाक सरकार का सीधा हाथ बताया है, यानी पुलवामा के गुनहगार खुलेआम घूम रहे हैं और पूरी दुनिया को ठसक के साथ अपने गुनाह को भी बता रहे हैं। यह सीधे सीधे भारत को चुनौती है, भारत की सेना को ललकारने की ठीठता है। ऐसे में भारत की सेना हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी, पाकिस्तान को भी इसकी उम्मीद नहीं है। आने वाले दिनों में यकीनन पाकिस्तान में कुछ बड़ा हो सकता है। इतना खौफनाक कि पाकिस्तान की सरकार फिर से पुलवामा जैसा कर्तव्यपूर्ण हमला करने के बारे में 100 बार सोचेगी। फवाद के इकरारनामे से जहां पाकिस्तान में नील बटा नील सन्नाटा पसर गया है, वही हिंदुस्तान एक बार फिर से गुस्से में उबल रहा है। देश के कोने कोने से पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग उठने लगी है। 14 फरवरी 2019 को भारत ने जिन 40 सपूतों को खोया है, उनके बदले की मांग फिर से जोर पकड़ रही है। यानी मामला फिर वही पहुंच गया है जहां पर 26 फरवरी 2019 को भारत ने छोड़ा था। पाकिस्तान को माफ करना या यूनाइटेड नेशन से कोई उम्मीद लगाना पूरी तरह बेमानी है। भारत को अपनी पूरी ताकत से पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा। अच्छी बात यह भी है कि LOC पर भारतीय सेना भी भारी संख्या में तैनात है और शायद पाकिस्तान भी अब ऐसा ही अनुमान लगा रहा है। कल दोपहर बाद फवाद चौधरी के पुलवामा के बयान के बाद पाक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने पाक सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगभग 2.5 घंटे की बैठक की है। उन्होंने फिर से LOC पर सुरक्षा चाक चौबंद करने का हुक्म दिया है और सेना को पूरी तरह अलर्ट रहने का आदेश जारी किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बाजवा की तरफ से इमरान खान से भी फोन पर बात हुई है। पाक मीडिया के मुताबिक फवाद चौधरी से मंत्री पद लेकर उन्हें बार का रास्ता दिखाया जा सकता है। फवाद के बयान के कारण पाकिस्तान जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुरी तरह घिर गया है, वहीं इस गरीब आतंकी मुल्क पर भारत के हमले का खतरा भी बढ़ गया है। फवाद ने अपने बड़बोलेपन से पूरी मदरसा कौम की जिंदगी मुश्किल में डाल दी है। इमरान खान ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहित यूसुफ से भी 45 मिनट से ज्यादा की बैठक की है। उन्होंने अचानक बदले हालातों पर उनसे राय मशवरा किया है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह खौफ में है। पाकिस्तान की आर्मी से लेकर पाक सरकार में भी हड़कंप की स्थिति है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अंदेशा हो चला है कि हालात फिर से गंभीर हो गए हैं और PM मोदी अपनी सेना को कोई कठोर एक्शन का आदेश दे सकते हैं। खास बात यह है कि 14 फरवरी को पुलवामा अटैक का बदला 26 फरवरी को बालाकोट में 150 से ज्यादा मुसलमान आतंकियों को हुरों की खोज में भेजकर लिया गया था, मगर अब जाकर इस हमले में इमरान खान की सरकार की साजिश भी सामने आई है। इसलिए भारत की सेना पाकिस्तान की कायरमुल्ला फौज को कड़ा दंड दे सकती है। पिछले साल बड़ी मुश्किल से बाजवा ने अपने कांपते पैर और बहते पसीने को रोका था। इस बार उनके पास सिवाय कुलभूषण जाधव के देने के कोई दूसरी चीज नहीं है। ऐसे में बाजवा की टेंशन बढ़ना लाजमी है। उनकी टेंशन इसलिए भी बड़ी होगी, जिन अंधों के काने राजा को उसने PM की गद्दी पर बैठाया है, उसी राजा के मंत्री उसकी पतलून उतारने पर लगे हुए हैं। इमरान खान की पूरी सरकार आर्मी चीफ बाजवा के गले में सांप की तरह लटक गई है, जिसे वे उतार कर फेंक भी नहीं सकते हैं। बाजवा की बड़ी मुश्किल यह है कि सिवाय तुर्की के उनके पक्ष में कोई दूसरा देश नहीं है। तुर्की की अजरबैजान में सलीके से बज रही है, जबकि तुर्की का मुल्ला खलीफा हाथ में हिजाब उठाकर रंगीन मिजाज बना हुआ है। सऊदी अरब और ईरान ने 27 अक्टूबर को कश्मीर डे पर पाकिस्तान के खिलाफ रवैया दिखाया है।
ऐसे में भारत आतंक को मुद्दा बनाकर पाकिस्तान पर एक्शन करता है तो अंतरराष्ट्रीय बिरादरी का पूर्ण साथ उसको मिल पाएगा। यू भी फ्रांस में आतंकी जमात से दुनिया भली भांति वाकिफ हो चुकी है, इसलिए इस विकृत मानसिकता का जितना नाश किया जाए उतना ही दुनिया के लिए बेहतर है। पाक मीडिया में पिछले 24 घंटे में जिस तरह भारत के हमले की संभावना ने जोर पकड़ा है, उनके मुताबिक भारत फिर से सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे सकता है। यह स्ट्राइक एलओसी से सटे इलाकों में की जा सकती है, जिसमें पीओके में स्थापित आतंकियों के लॉन्चिंग पैड को निशाना बनाया जा सकता है। पाक विशेषज्ञों के अनुसार भारत पाकिस्तान पर सीधी कार्रवाई शायद ही कर पाएगा। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान में भारत की किसी कार्रवाई को बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। खासतौर से आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने जिस तरह अपनी सेना को अलर्ट किया है, उससे पाकिस्तान में घबराहट बढ़ गई है। इमरान खान भी अपने मंत्रियों को सोच समझकर बोलने की हिदायत दे रहे हैं। फवाद चौधरी और शेख रशीद जैसे पाक मंत्री पहले भी अपने बयानों से सरकार की फजीहत करा चुके हैं। खुद इमरान खान भी सितंबर 2019 में पाकिस्तान में 40,000 आतंकी होने का कबूलनामा करके मुल्क का पलीता लगा चुके हैं। यू भी बयान ब्याजी बनाम बकलोली में इन फंटर मुल्लाओं का कोई सानी नहीं है। यही बकलोली पाकिस्तान का तिया पांचा करने में जिम्मेदार भी है। जब पाकिस्तान खटारा से छकड़ा देश बन गया, तब इमरान को होश आया है कि कहीं भी जबान संभाल के ही बोलना चाहिए। पर फवाद चौधरी पाकिस्तान की पिटाई का बीज बोकर जा चुके हैं। उन्हें यही लगता है कि पाक सेना बहुत ताकतवर फौज है और उसके होते उन्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मगर पाकिस्तान की रैपिस्ट आर्मी की औकात खुद नवाज शरीफ बता चुके हैं, जिन्हें कारगिल जंग में हथियार तो छोड़ के पानी तक नहीं मिल पाया था। बाद में भारतीय जवानों ने उन्हें ठोक ठोक कर मारा था। दिसंबर 1971 में 93,000 मुल्ला गोबर के तसले उठाए भारतीय फौज के सामने सजदा करते पूरी दुनिया ने देखे थे। बाद में इनकी तस्वीर पर लात मारकर इन्हें वापस पाकिस्तान को सौंपा गया था। इस बार भारत ने चढ़ाई की तो क्या असर हो सकता है, इसका अंदाजा बाजवा अहमद को अच्छे से मालूम है। पाकिस्तान सरकार का पुलवामा अटैक में पूरा हाथ है, यह बात भारत ही नहीं दुनिया भी जानती है। फवाद चौधरी ने पाकिस्तान की जनरल असेंबली में सच्चाई को दुनिया को बताकर भारत को ठोस कार्रवाई करने का मुद्दा दे दिया है। भारत अब शायद ही खामोश रह पाएगा। 40 शहीद जवानों का बलिदान कोई भी देश नहीं भूल सकता है। बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ है। पाकिस्तान को इस दुस्साहस की और भी बड़ी कीमत चुकानी होगी और यह कीमत वह बहुत जल्दी चुकाएगा, क्योंकि भारत को छेड़ने के बाद उसे कबूलना पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।